हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो बज रहे हैं रात के 12:30 और हमें निकलना है सुबह 4:30 बजे, ट्रेन है हमारी। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ गोलू ने कितने पराठे बना दिए ट्रेन के लिए। ये देखो कितने पराठे गोलू, टोटल ये जो मतलब ये रह गए, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। लास्ट टाइम पायल ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, पायल बता मेरी फ्रेंड। लास्ट टाइम मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो हमारा 24 घंटे का सफ़र था मेरा, और मुस्कान भी थी उस सफ़र में। तो उस सफ़र में हम भूखे मर गए क्योंकि खाना बिल्कुल स्वाद नहीं मिला था ट्रेन से। आज की ताज़ा खबर है, हमने सब पैकिंग कर ली है, चीकू भी चल पड़ा है मज़ेदार अपना तकिया वकिया ले के। आ जा पायल, आ जा फटाफट, आ जा तकिए डालो सारे। वही तो कह रही हूँ, तकिए डालो, तकिए डालो इसमें सारे, सारे तक आ जाएंगे। गोलू सारी लाइटें तो बंद कर दे, वो लाइटें जला के नहीं जाते हैं, अच्छी नहीं है। मिस प्लस पड़ी हुई थी यहाँ पे, हमारी किसी ने बैग उठा ली, काम आएगी रास्ते में। चलो चलो लेट हो रहे, जल्दी आओ। तो फाइनली आज हम लोग पूरी फैमिली ट्रेन से जा रहे हैं दिल्ली, और चीकू पहली बार बैठेगा मतलब ट्रेन में, तो उसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होगा आज। ये कोड़ा खोल उठा के लाया ऊपर से, ये कोड़ा है भैया, कोड़ा भी लेके जाओगे के साथ में, कूड़ा भी ले आए हम बैठते। चलो चलो यार, कूड़ा भी रख दिया। चलो चलो जल्दी बैठो, ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन फ्लाइट है। ए हमने मास्क लिए अपने, पता नहीं सारे भूले हम, सारे मास्क भूले, सारे मार्क्स मैंने रखे हैं, ऊपर नहीं सारे राज ने रखे हैं, राज ने ले लिए। ठीक है, चलो आप भी जल्दी आओ। तो हमें ड्रॉप करने जा रहा है मुस्तफ़ा। हम पहुंच गए हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन पे, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है मुझे यहाँ से, दिख रहा है आपको भी, तो लेके चलते हैं आपको अंदर। चलो सामान हमने उतार लिया, ठीक है मुस्तफ़ा, ध्यान रखो, ठीक है, ओके। थोड़ा मास्क ऊपर कर ले, सामान कोई बात नहीं। लगेज हमारे पास बहुत ज़्यादा था और इसलिए हमने कूली भाई साहब किए हैं, और ये हमें ट्रेन के अंदर बिठा के आएंगे सब लोगों को सामान के साथ, बुग्गी बुग्गी नंबर इनको सब पता होता है। तो ये है रेलवे स्टेशन, हमारे साथ सब लोग हैं, और पायल और मुस्कान कुछ सामान लेने गई हैं, वो खाने पीने का, छोटा ही बाहर है उनके साथ कोच साहब हैं। हाँ जी, तो रेलवे स्टेशन में भी थोड़ी पानी की तकलीफ है, आप देख सकते हो। ये लो पकड़ो, हाथ सैनिटाइज करो। हाँ चलो ध्यान से, मम्मी बेटा राज गए हैं लेने के लिए। चलो ये हमारा है चीकू सारा, हाँ जितना भी है सब हमारा बेटा, ठीक है। कैसे लगा ऊपर ऐसे चढ़ के जाते हैं, तभी दिखाऊंगी कैसे करती है। तो ये है हमारी ट्रेन, और ये बहुत ही साफ़ सुथरी है अंदर से, और मज़ा आ रहा है, थोड़ा अलग है पर अच्छा लग रहा है। पता है गोलू, रहने दे बाहर ही है बेटा, रहने दे। तो पायल पायल की एंट्री हो गई है ट्रेन में, ये हमारा है। नहीं, ये देख, ये दो, ये दो और ये दो, ये भी है नीचे वाला भी है। आराम से कभी नीचे गिर जाए, कभी नीचे, हाँ तो इसको मत सिखा। तो हमारा कंपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हम यहाँ सारे बैठने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो पायल और ये हमने सामने हैं, ऊपर भी हमारी बुगी है, तो हम आपके सामने बैठे ही हैं यहाँ पे, और नज़ारा बाहर का यहाँ से आप देखते रहना जब मैं ट्रेन चलेगी। तो ये वीडियो कोई भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन जाएगा, 20 या 25 मिनट का, मैं पूरा अपलोड करूँगा। पायल तो देख दुखने लग जाएगा, ये पायल सराना फुला रही है चीकू के लिए, कैसा होता है चॉकलेट 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 चाय 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 चाय। और कालू भाई कहते हैं शाम तक ना उसका चाय थोड़ा कम उधरता है, सुबह बोलते हैं फुल स्पीड में चाय चाय चाय, शाम तक चुपके चुपके मूवी देखेंगे, पापा देख लेंगे मूवी, सामने बैठेंगे। ये हमारे ट्रेन के शीशे भी से हैं, बहुत ही मजेदार, और ये हमारी बुगी का रास्ता है यहाँ से जाने का। तो थोड़ी सी आगे पायल और गोलू बैठे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। ये टॉयलेट बाथरूम है, जिसने नहीं देखे वो देख लीजिए, बाकी सबने देखे हुए हैं। तो हम हमारे थंबनेल के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं,
और फोटो खींच रहा है राज, वो खड़ा वहाँ से। तो पायल का एक्सपीरियंस काम आ गया सही, पायल जो खाना ले गए थे वो हम अभी खाएंगे। तो हमने तो ऐसे घर बना दिया ट्रेन को। ऊपर सामान वाला चाय कप भी लेके आई हूं, अभी चाय वाला आएगा चाय लेंगे। मजेदार खाना, पराठे जितने हमें खाने हैं हम खा लेंगे, उसके बाद हमारा खतरनाक डाइट प्लान चलेगा दिल्ली जाते ही। राज के मुंह में पानी आ गया है। ट्रेन बहुत ही तेजी से चल पड़ी है और पूरी बुगी मैंने बुक करवा रखी है, तो हम इसमें अभी फुल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। और क्या लाजवाब खाना है। चीकू फुल एंजॉय कर रहा है बाहर का। चीकू कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। मजा आया ना फ्लाइट से? अच्छा है ना? आराम से गोलू आराम से। मेरी मम्मी बात कर रही है। आराम से चढ़ाओ, जंगली मत बन चीकू। ज्यादा चीकू आजा मेरे पास आराम से। इधर से आ, इधर से आ, इधर जंगली ऐसे कैसे? आजा आजा, चलो चलो जंगली, आजा आजा जंगली माऊ मैं। वहां पे जाना है। नीचे आना क्या चीकू? नीचे आना बताओ। ओ ड्रामे मत कर चीकू, ड्रामे मत कर। एक्शन साफ कर दो। थैंक यू। नीचे उतारू क्या? नीचे तो मैं उतर जाऊंगी। ठीक है, आपने मेरा बेड सेट कर दिया ना। क्या बात है, पूरी बुक की आपने, पूरी ट्रेन ही बुक, पूरा केबिन बुक कर दिया। इतने खुश है कि बोल भी नहीं पा रहे। मतलब पूरा खुला खुला लग रहा है ना, हम आराम से मस्ती कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार लग रहा है हमें ट्रेन में आज, और अच्छा लग रहा है हमें। तो कोई नहीं है, पूरे हम ही हैं। और क्या भैया ये इडली वड़ा? क्या इडली वड़ा? अच्छा इडली वड़ा खाना है बच्चों? इडली वड़ा। तो सबकी सोने की तैयारी हो गई है। राज ऊपर सो रहा है, गोलू यहाँ पे है। उसके मुंह में दिया हुए सो क्यों नहीं गोलू अब तक? मैं तीन बार कोशिश करी सोने की। एक्चुअली हुआ क्या था, साथ वाले जो हमारे हैं पड़ोसी हैं उनके पास चले गए थे, क्योंकि बच्चे के पास कम करो सो रहे हैं, बट उनका बच्चा आवाज़ नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मुझे तब भी सॉरी बोला, सॉरी बच्चा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं आगे गई देखने, जो बच्चा रो रहा है तो उसकी मम्मी उसे चुप कराने की फुल कोशिश कर रही है, बट वो चुप नहीं हो रहा। क्या खाना है बोलू? पायल बोलू कुछ दियो उसमें खाने को। दे रही मम्मी, दे रही रुक जा। ठीक है, क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है और फुल ग्रीनरी है। और गोलू सॉरी अभी यहाँ पे आराम से। गोलू ने ना फ़ोन यहाँ पे छुपा रखा है, देखो सोते हुए। राज उठ गया है, मुस्कान भी उठ गई है। चाय भी नहीं मुस्कान? आ जा आना। पायल सो रही है, चीप भी सो रहा है। मज़ेदार चाय। बेटा खड़ा बोलू, इसमें ना, इसमें तो ना शीशा है, जो पहले वाली ट्रेन थी ना उसमें शीशा नहीं होता, तो उसमें ना लोहे की पाइप होती है ना, देखी तो है मैंने, चिपचिप हो जाता है सारा, पता है? जैसे रेलवे स्टेशन गए हैं अंडा पे बोल, तो नॉर्मली ट्रेन देखी, बट मैं ये सोच रही हूँ की इसमें बैठना चलो फिर भी सही है। तो ये मोहम्मद, ये मोहम्मद रहीम, और ये पूरा एसी का टेक्नीशियन का काम करते हैं। ये ट्रेन के साथ ना चीज होती है, मैंने नोटिस किया है, मतलब आजमाया है। जैसे आप घर पहुंच गए, घर पहुंच के जैसे आप सोए, पहली नींद जो हम लेते हैं उसमें हम आँख बंद करते हैं ना, तो हमें लगता है ट्रेन में है। ऐसे एक बात बता मुझे, झूठ कम बोला कर, तुझे तो याद ही नहीं है तो ट्रेन में कब बैठी थी, तो तेरा ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? मैंने इनको ये बात बोला, मेरी 2018 में शादी हुई थी, मैं लास्ट ट्रेन में 2015 में बैठी। तो मतलब इतना, मतलब तुझे 8 साल की बात याद है यार? राज ये तो पागल वाली बात है ना। होती है, होती है। क्यों, मुझे कुछ एक्सपीरियंस कैसा लगा मैडम आपको टॉयलेट यूज करके? झटका लगा बीच में। भैया पहले जब मैं रेलवे में छोड़ती थी
जब मेरे रिलैक्सेशन पे जैसे ऐसे ये रेल है ये पटरी है तो पहले उसको पॉटी करती थी ना, तो मैं सोचती थी और मैंने कौन सी पटरी पे पॉटी गिरी होगी ना, खत्म होता नहीं था बचपन में कि कौन सी पटरी पे पॉटी गिरी होगी, क्या हुआ होगा, कौन देख रहा होगा, मतलब कुछ होता होगा ना, गिरती नहीं है, आराम से भैया आराम से। तो ये 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी है ट्रेन और हमारे दिग्गज सड़े हुए लोग ट्रेन से उतरे हैं अभी। तो अभी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, कैसे भागी भाग के दिखा, इतनी दूर मत जा, कैसे भागेगी, वेरी गुड। तो ट्रेन अपने अच्छे मूड में है, अभी फुल भाग रही है, क्या करूँ, फुल स्पीड में है, फुल रफ्तार से, बहुत साफ सफाई होती है ट्रेन में और हमारे भाई लोग बहुत मतलब चलते हैं। नहीं भैया मैं देख रही हूँ बहुत देर से साफ सफाई होती है, नहीं बहुत नीट एंड क्लीन है ट्रेन। और दांत दिखाइयो अपने, गोलू इधर दिखाई, इधर कितने दिन हो गए कोलगेट करे, 2 दिन। तो आज भी लोग हल से खेत को की जुताई करते हैं, वो देखो आप देख सकते हो, मैं बहुत दूर बैठा हूँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है मतलब आज के दिन भी लोग हल से जुताई करते हैं और मेहनत करते हैं आज भी देखो। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कुदरत का यहाँ पे, और पीछे आप देख सकते हो पीछे पीछे वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। तो गाइस हमारे साथ हैं मतलब कि ट्रेन के अंदर सबकी देखभाल करना, तो ये है रंजीत शर्मा जो पानी खाना पीना सब चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और अपने घर से बहुत दूर है यानी कि दिल्ली तक हमारे साथ हैं। मुस्कान उठ गई है और पानी ग्रहण कर रही है और पानी सुबह उठ के सबको पीना भी चाहिए। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता, बेटे नाश्ता ही, तो ये हमारी कटोरी देखो हमने दही डाली है इसमें, मुस्कान वहाँ बैठी हुई है राजवाश, और ये हमारे मज़ेदार पराठे जो हमने बनाए थे। ये हम ट्रेन में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, घर की चाय तो आपने बहुत पी है पर आज हम ट्रेन की चाय भी खाने को। गोलू ने 5 पराठे खाए हैं, है गोलू कितने खाए, मैंने 5, 4.5 झूठ मत बोल, 5 खा गए। पायल उठ गई है, क्या खाएगी, चाय भी चाहिए। पायल यार तू डाइट पे है, पायल कितने क्या बन के बानी, इतनी भैंस होती जा रही है, चाय। पायल का समोसा आ गया है भैया, कितना खाई है गोलू, शर्म नहीं आती है तेरे को, 5 पराठे खा गए अभी, पराठे भी खा गए, बिस्किट भी अकेले खाए मैंने, सब्जी पूरी खत्म कर दिया, मैं उन्हें खा सकते थे जितनी सी सब्जी है और सब्जी खा लिया हूं, कितना कुछ बचाया मैंने, 40 याद आया मुझे, ट्रेन में सब कुछ सही है, साफ सफाई सब कुछ, पर एक चीज मुझे खराब लगी, जैसे तुम टॉयलेट पे जाओ तो वो लोहे का वो नहीं होता हैंडल था उसको पकड़ के बैठो, मेरा टाइम लगा था। मशीन लेकर आई निकालो बेटी। चीकू को ठंड लग रही है, उड़ा रहे अपने साथ सुला ले, अभी घूमने के दिल कर रहा है इसकी, कहीं नहीं जाना बेटा, आप बैठो बाहर नहीं जाना कहीं, बेटी नहीं उस साइड नहीं जाना आपको बिल्कुल भी, इधर आ जाओ बेटा, कहीं नहीं जाना, इधर आओ जल्दी, आओ भाग के आओ, भाग के मामा के पास बैठो, चलो चीकू गिर जाओगे बेटा, नीचे आ जाओ, चलो मामा पास जाओ, उधर जाओ, नहीं
बेटा गिर जावे गिर जावे गिर जावे वो वहाँ पे लगी इससे 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 ठीक उससे उससे यहाँ पे यहाँ इधर इधर इतने दूर तो नहीं है ज़्यादा दूर तो नहीं हो गया ऊपर करो और ऊपर करो और राज भैया आने में कितनी तकलीफ हुई आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई पता होगा राज नागपुर के स्टेशन पे उतर गया था कुछ काम से मेडिकल से कुछ सामान लेना था तो कितनी दूर भागे आप चार पांच दुकान भटका यहाँ से वहाँ कुछ कई जगह नहीं मिल रहा था फिर आरपीएफ वाली पुलिस थी मैंने उनसे पूछा कि सर ये चीज़ चाहिए मुझे तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि सर आप वहाँ पे जाइए मैं कॉल कर देता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे गया और फिर उन्होंने क्या खाना है सुनो क्या ये क्या है मैगी बना दो बेटा इसमें थोड़ी मैगी ट्रेन में कुछ और कुछ फरमाइशें बनी बनाई एक काम करो आलू भुजिया खा लो बिस्किट खा लो ऊपर चढ़ना सिखा दे चीकू ने सारी भुजिया गिरा दी है अरे बड़े टैलेंटेड है दोनों माँ बेटा ना बहुत टैलेंटेड है ट्रांसफर कर लिया तो उन्होंने तो ऊपर घर बनाए हुए हैं तो ये हमारे दादा हैं यहाँ पे और पूरा रेल डिपार्टमेंट यही संभालते हैं और साथ में हमारे भाई भी हैं और जो है तो मुंह ढका हुआ है ये थोड़ा सा परहेज करते हैं आप देख लीजिए इनको तो अभी ये कॉल कर रहे हैं हमारी भाभी जी को गोलू से बात करवाने के लिए तो गाइस हमने आधा सफ़र तय कर लिया है और चीकू को लगा ये भूख क्या खा रहे हो चीकू मैगी गोलू कौन खाता है ऐसे कौन खाता है अपने घर का खाने चाय तो नहीं थी घर की कब सोए थे चीकू सुबह थी कब सो अभी रात हो गई है सो जाओ थोड़ी देर में सो जाओ ठीक है अरे मुस्कान जी क्या हो रहा है चीकू स्टेशन के वो है फायदे है कि लंबे सफर में मुंह हाथ आराम से धो सकते हो ब्रश ब्रश कर सकते हो तुम्हारा भी चाहिए भाई बिल्कुल गाड़ी पे लगाओ इधर लगाए इधर गाड़ी से साफ करो तो देखो घर भी हमारे दोनों भाभी ऐसे ही भैया के लिए खड़ी रहती हैं और ऐसे ही इनको प्यार करती रहती है और ट्रेन में भी आप देख सकते हैं तो कितनी प्यारी है हमारी दोनों भाभियाँ आप नीचे से ऊपर आ गए इंटेलिजेंट हो लेना है ना बस तो मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेन की कैंटीन के अंदर आइए मेरे साथ आइए भैया आइए आइए सर आइए चलो भाई चलो आओ कैंटीन में घुमा के लाता हूँ सबको जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी चल भाई चल तो ये दो तीन बुग्गी अलग से है हमारी कैंटीन जो मैं देखने जा रहा हूँ सब लोग तो हम पहुंच गए हैं ट्रेन की कैंटीन में हमारे भाई हमारे साथ हैं और यहाँ पर मज़ेदार कैंटीन है तो ये हमारी ट्रेन की कैंटीन है बहुत बड़ी देर पीछे देखा है सारा फ्रेश खाना बनता है अभी और फ्रेश ही चाय पानी खाना सब फ्रेश बनता है तो हम यहाँ से रवानगी दे रहे हैं वापस आजा पायल आजा चलो आइए जाइए चलो चीकू चलो फटाफट चलो आगे देखो आगे चलो 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 ये हमारे चाहने वाले हैं नागपुर से हमारी बहन जी बैठे हैं अभी तो मथुरा से ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू क्या हो गया चीकू क्यों जीत कर रहे हो चाय खा के खुद सफाई करनी चाहिए नहीं ऊपर भी है क्या मामी? तो खा रहा है मजा आया खा रहे चीकू
चीकू अगर अंगूठा पीते मिल गए ना मुझे आप, तो आपको मैं पागल खाने भेजाऊंगा, ठीक है? पागल खाने? हाँ। पागल खाने क्या होता है वो बताऊंगा जब आप अंगूठा तो पियो, फिर बताता हूँ। चलो चलो ऊपर चलो, चल राज। शरारत नहीं की आपको देख के? अच्छा जैसे आप नहीं होते ना तो हटो ना माँ, हटो ना माँ, और जैसे पाते हो कोने बैठे दो। स्टेशन आने वाले जल्दी से, बचा गया चिकू, हम दिल्ली पहुंचने वाले, स्टेशन आ गया। चद्दर उधर दे दो, हम फोल्ड कर लेंगे। चद्दर दे दो, फोल्ड कर लेंगे, फिर टाइम नहीं लगता, जल्दी से दो। सो फाइनली आफ्टर रीचिंग दिल्ली, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन ट्रेन? इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आई वांट टू से समथिंग, आई वेरी नाइस, द बाथरूम आर वेरी ब्यूटीफुल, क्लीन, वेरी मजेदार, सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई मीन द पीपल वर आल्सो सो ब्यूटीफुल ना, पीपल आल्सो एंड द बीच वाली सीट पे जो ऊपर चढ़ के जाते हैं, दैट एक्सपीरियंस अमेजिंग। भैया टॉयलेट आया मुझे, मतलब फ्रेश होना है बट मैं जा नहीं रही क्योंकि अब आखिरी टाइम है ना, तो बहुत ही बहुत, अभी गई थी बहुत ही गंदा टॉयलेट है। पहले दो बार तो जाना पड़ा ना, मजबूरी थी। मजबूरी नहीं होती वो, फंसी होती है, फंसी में जाना ही पड़ता है। तो फंसी में हर कोई जाता है, पायल भी एक बार गई थी। मैं तो नहीं बोला, मैं मजबूरी में गई थी, मेरे को तो टाइम था, मैं जाने का। तो गई हो, फंसी थी ना हमारी। क्या मार रही बैठी बैठी, मुस्कान नाक बंद कर ले। पायल बहुत गंदा टॉयलेट हो रहा है। ये मजबूरी नहीं है गोलू, ये हमारी फंसी है, चल चली जा। स्टेशन पहुंच गए हम, कुली वहां पे बैठे हैं बहुत सारे, मैं बुला के लाती हूँ, रुको। उतनी दूर चल, बुला देगा ना। ये रे भैया, इस बैठे हैं कुली, मामी दे रे, खड़े खड़े ये खड़े, ये खड़े। दो बैग थी मारी, एक तो ये छोटा है, हाँ। एक और छोटा चला गया था गाड़ी में, दो ही बड़े लाए थे पायल, दो लगेज लाए थे, ऐसा दो लगेज लाए थे, चला गया था हाँ, पक्का याद है ना? एक बड़ा लेके गए थे, रुके आ गए, दो लगेज लाए थे, और ज्यादा देर नहीं रुकेगी, यहीं रुकेगी, अब यहीं से बन के जाएगी। निजामुद्दीन, निजामुद्दीन पहुंच गए हमारे सामान के साथ, हमारे सामान देख। टान टूट गया गेट से, गेट लगा थोड़ा सा रहता है, अटकाऊंगा। चीकू का दांत टूट गया गेट पे लग के, ले रही हूँ मैं, पीछे रह रहे, थक गए यार। चीकू और मुस्कान बहुत पीछे चल रहे थे, मैंने इनको बोला तू वहाँ आगे चलो, मैं पीछे चलूंगी, थक गए। इको मिल गई है, अब हम जा रहे हैं घर, और एक्साइटमेंट है, हमारी चिप्पी पहले पहुंच गई है सामान की। राज भैया तो सामान के बीच में दिख ही नहीं रहे, राज भैया भी बैठे हैं, राज भैया बैठे इधर। दिल्ली की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी, देख सकते हो आप सब लोग जो घर बैठे हैं, अच्छे से देख लीजिए, निजामुद्दीन है ये। तो भैया हम पहुँच गए अपने घर दिल्ली, तो ये देख रहे हो आप, ये टीम देख लो हमारी, हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, चलो चलो शाबाश, बोली इधर है घर इधर। तो हम घर पहुंच गए हैं, तो ये भाई के लड़के हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एक दिन में बड़ी हुई गोलू यार, कल तो वहाँ थी ये, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाँ बेटा हाँ बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, परेशान हो गई थी हैं, क्या हो गया, परेशान हो गई थी, याद आ रही थी, याद आ रही थी, याद आ रही थी, अच्छा आ रही थी, याद आ रही थी। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली घर, सारे लोग आ गए हैं, ये हमारी भाभी है कुलदीप भैया की वाइफ, ये हमारे लिए पानी लेके आई हैं, अभी पियेंगे पियेंगे सब पियेंगे, टेंशन मत लो, पियेंगे। चेरू, चेरू मम्मी, चेरू मेरी मम्मी, चेरू बोलो, चप्पल बाहर निकल गया, गंदा हो जाएगा।
तो भाई आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।